गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अखिलेश यादव। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आने वाले दिनों में 11 जून से आप लोगों का पीरियाडिक फर्स्ट टेस्ट आयोजित होने वाला है, जिसका कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जिसको कि हम रिवाइज कराएंगे। और अगर आपने अच्छे से आज के वीडियो को देखा तो ज़रूर आपको उससे लाभ होगा। तो आइए देखते हैं आज के हमारे जो रिवीजन टेस्ट है, उसमें हमें कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करनी है। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं उनको हम एक सरसरी निगाह पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड से शामिल हैं। तो उन क्वेश्चनों में जैसे विलोम शब्द हो, जैसे उदय शब्द का विलोम क्या हो सकता है, अस्त होगा, सही जवाब है। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिस पर आप सही जवाब पर सही ऑप्शन पर सही का टिक लगाएंगे। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। और महीनों में दो बार प्रकाशित पत्रिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? मतलब कि एक महीने में जो पत्रिका दो बार प्रकाशित हो रही हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? पाक्षिक कह सकते हैं। मतलब कि एक पक्ष 15 दिनों का होता है, तो एक पक्ष 15 दिनों का होता है तो 30 दिन में दो पक्ष होंगे, इसलिए उसको हम पाक्षिक बोलेंगे। और व्यंजन में कुल कितने अक्षर होते हैं? 36। जैसे स्वर व्यंजन की चर्चा होती है, तो अगर पूछा जाए कि व्यंजन में कितने अक्षर होंगे, तो 36 अक्षर होते हैं। जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विधुर कहेंगे। जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहेंगे। और किस देश में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? मतलब राज्य कुछ दिए जाएंगे, उनकी भाषाएं दी जाएंगी, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे किसी राज्य का अगर नाम दे दे, पूछ दे कि किस राज्य में कौन सी भाषा है, जैसे कश्मीर है, गुजरात है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, तो मतलब अगर राज्यों के नाम दे दे तो आप उसी अनुसार उन भाषाओं के नाम भी बताएंगे। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, कश्मीर में कश्मीरी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी। लिखकर या बोलकर विचार व्यक्त करने का साधन क्या कहलाता है? मतलब लिखकर या बोलकर विचार व्यक्त करने का साधन क्या कहलाता है? मतलब आपका सही जवाब होगा भाषा। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बातों को लिखकर या बोलकर एक दूसरे को प्रकट करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, एवं उनकी बातों को भी समझते हैं। किसके माध्यम से? भाषा के द्वारा। व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? तो व्याकरण शुद्ध भाषा सिखाने वाला शास्त्र है। व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध चीज़ों को, शुद्ध शुद्ध भाषा को सिखाने वाला शास्त्र है। गांव का तत्सम शब्द क्या है? गांव का तत्सम शब्द ग्राम है। गांव का तत्सम शब्द ग्राम है। त ठ ड ढ के बाद कौन सा वर्ण आएगा? त थ ट ठ ड ढ के बाद कौन सा वर्ण आएगा? ड ट ठ ड ढ के बाद ड आता है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। व्याकरण क्या बताता है? व्याकरण हमें भाषा के नियम बताता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के
दो रूप होते हैं। गगन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो क्या है? जैसे गगन, अंबर, नभ, व्योम, अंतरिक्ष, शून्य, आकाश, ये सब गगन शब्द के पर्यायवाची हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं। गगन, अंबर, नभ, व्योम, अंतरिक्ष, शून्य। बोलकर कही गई भाषा कहलाती है, बोलकर कही गई भाषा कहलाती है मौखिक भाषा। मतलब लिखकर अगर अपनी बातों को कहा जाए तो लिखित भाषा, और बोलकर कहा जाए तो मौखिक भाषा। और किसी भी भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अगर विलोम शब्द पूछ दिया जाए किसी का, तो आप विलोम शब्द के बारे में जानिए कि वो है क्या। मतलब किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अगर कुछ पूछा जाए फूल का तो कांटा, नूतन का पुरातन। और फिर पिछले दिनों हमने कुछ अपने वीडियोस में बताया था आपको कि वर्ड मीनिंग से भी क्वेश्चन होंगे। मीनिंग बताया था कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, वो धरा मीन्स